वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑल इम्पोर्टेंट MCQs, क्या MCQs ऑन ड्रग रेजिस्टेंस एंड कीमोथेरेपी, जिनका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, कौन सी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, आप उसमें जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस आर ड्यू टू द या ड्यू टू अल्टरेशन इन, यानी कि जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस आ जाता है किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस में, वो किसकी अल्टरेशन की वजह से आता है। तो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उनका, ये क्या है, मेथिसिलिन क्या एक तरीके का एंटीबायोटिक है, तो इसका एक्शन क्या होता है हर एक बैक्टीरिया में अलग, या फिर हर एक एंटीबायोटिक का एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस में पूछ रहा है कि वो किस तरीके से वजह से रेजिस्टेंस हुआ है, तो ये होता है सेल वॉल बाइंडिंग प्रोटीन, किसकी वजह से, सेल वॉल बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट है इराइथ्रोमाइसिन एंड क्लिनिडामाइसिन रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू एन अल्टरेशन ऑन द, यानी कि जो ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, कौन से, इराइथ्रोमाइसिन एंड क्लिनिडामाइसिन रेजिस्टेंस है, ये किसकी अल्टरेशन से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है ऑल जितने ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं उन तीनों के बारे में, यानी कि नेक्स्ट है न्यूक्लियर रेजिस्टेंस, उससे अगला है 50S राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड DNA, तो इसका जो आंसर है वो होता है 50S राइबोसोम बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्फोनेमाइड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड एन एंजाइम दैट हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर, यानी कि एक सल्फोनेमाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है जो क्या कर रहा है, डेवलप करता है एक एंजाइम को जिसकी एफिनिटी होती है किसके साथ, वो ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो उस एंजाइम की एफिनिटी होती है PABA के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो जेनेटिक फैक्टर है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग रेजिस्टेंस के लिए, किसमें, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसकी वजह से कॉज होता है, तो इसका आंसर है हमारा आर प्लाज्मिड, क्या है इसका आंसर, आर प्लाज्मिड। नेक्स्ट लिखते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म कीमोथेरेपी, यानी कि जो टर्म कीमोथेरेपी है वो किसने दी थी, तो इसका आंसर है यहाँ पर, तीन आंसर दिए हैं, पॉल हेलरिच, लुईस पास्टर, रॉबर्ट कोच, तो इसका ट्रू आंसर किस क्या है, पॉल हेलरिच थे जिन्होंने टर्म कीमोथेरेपी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कीमोथेरेपी डिफाइंड एज, यानी कि जो कीमोथेरेपी उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, यूज़ ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट डिजीज़, यूज़ ऑफ कीमोस्टेट टू ट्रीट डिजीज़, बोथ। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, जब हम ड्रग का यूज़ करते हैं किसके लिए, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, है ना, यानी कि उसको उससे क्या करने के लिए, उससे एक तरीके से एज अ मेडिसिन, ठीक है, तो कौन किसको यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी सिंपल लैंग्वेज में, या फिर हम कह सकते हैं कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल, ठीक है, थेरेपी मतलब किसी भी चीज़ को इलाज देना एक तरीके से, तो जब हम केमिकल ओरिजिनेटेड क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग क्या होते हैं, केमिकल ओरिजिन की जो ड्रग्स होती हैं, जब उनको हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो केमिकल सब्सटेंस जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं ग्रोथ और किल अदर माइक्रोजम, जो क्या कर रहे हैं, किसी और अदर माइक्रोजम की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं और किल कर रहे हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी प्रो एंड प्रोबायोटिक्स, तो यहाँ पर इसका आंसर है एंटीबायोटिक्स, क्या है इसका आंसर, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, एजेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी आर टर्म, यानी कि वो एजेंट जिनमें कौन सी प्रॉपर्टी है ड्रग सिंथेसाइज करने की, इन द लेबोरेटरी, ठीक है, किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स, क्या कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स, क्यों,
ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एजेंट हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है किसको ड्रग सिंथेसाइज करने की, किसके अंदर, लैब के अंदर। नेक्स्ट होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर फेल इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो, उनकी क्या होती हैं, दो दो कैटेगरीज होती हैं, पहला है एंटीबायोटिक्स, दूसरा है सिंथेटिक ड्रग्स एंड थर्ड है बोथ। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि बोथ ही इसका आंसर है। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप दोनों ही आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसे हमने देखा एंटी माइक्रोबियल यानी कि हमने कीमोथेरेपी एंड ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।